रामनगर पुलिस ने 2017-18 में जब्त की गई लगभग 1,47,00,000 रुपयों की अवैध शराब को MRDC परिसर में नष्ट किया। रामनगर पुलिस ने सन 2017-18 के दरमियान शराब तस्करों से जब्त की गई अवैध शराब को आज न्यायालय की अनुमति लेकर आबकारी विभाग की उपस्थिति में MRDC परिसर में रोड रोलर चलाकर नष्ट किया। यह अवैध शराब तकरीबन 1,47,00,000 रुपए के आसपास की बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान चंद्रपुर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी नांदेड़कर के साथ रामनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार प्रकाश हाके, साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारी तथा पुलिस विभाग के गजानन डोईफोड़े, अनिल एनपोरेटीवार आदि मौजूद थे। वही संबंध में पुलिस अधिकारी SDPO नांदेड़कर ने जानकारी दी। आज रामनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो दारू जब्त की गई थी सन 2017 और 18 में, उसका 417 गुने में कमाल हम यहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं। इस संबंध में हमने माननीय न्यायालय से इसके ऑर्डर प्राप्त किए, उसके बाद माननीय जिलाधिकारी साहब से परवानगी से और एक्साइज डिपार्टमेंट के मदद से हम यहाँ पे ये पूरा माल नाश कर रहे हैं। ये लगभग 1.5 घोटे का माल है। CTV के लिए राजू अलैन के साथ शैलेश गणवीर की रिपोर्ट।